हेलो, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इनएक्टिव आइटम्स और एक्टिव आइटम्स को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। एक्टिव आइटम्स आपके वो आइटम्स हैं जिनमें आप करंटली ट्रेड कर रहे हैं, और इनएक्टिव आइटम्स आपके वो आइटम्स हैं जिनमें आप पहले ट्रेड कर रहे थे बट अब नहीं कर रहे। इसके लिए हम डैशबोर्ड पे आएंगे। यहाँ पे हमें इन्वेंट्री आइटम्स की लिस्ट मिल जाती है, इस पर क्लिक करेंगे, सारी लिस्ट आ गई आइटम्स की। इनमें से अगर आप देखेंगे तो अभी इस वक्त कुछ स्टेटस दिख रहा है इनका, एक्टिव और इनएक्टिव का स्टेटस, ट्रू फॉल्स। ट्रू का मतलब जो आइटम्स आपके अभी एक्टिव हैं वो ट्रू, और जो आइटम्स अभी आपके इनएक्टिव हैं वो फॉल्स। तो इसके लिए हमने ऑल किया, तो यहाँ पे सारी रिपोर्ट आ रही है। अगर आपको सिर्फ एक्टिव आइटम्स देखने हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं, और अगर सिर्फ इनएक्टिव देखने हैं तो ऐसे देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी आइटम को, किसी एक्टिव आइटम को इनएक्टिव करना है, तो उसके लिए आपको ऑल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपका स्टेटस आ जाएगा। फर्स्ट आइटम आपका, सपोज आइटम वन आपका जो है वो आपको इनएक्टिव करना है, अब उसमें ट्रेड नहीं करते आप, तो आप इसको एक सिंगल क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक करते ही क्या होगा, ये फॉल्स, मतलब ये इनएक्टिव हो गया। आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, इनएक्टिव आइटम में आपका फर्स्ट आइटम आ रहा है आइटम नंबर वन, ये अब आपका इनएक्टिवेट हो चुका है। हमारे लेटेस्ट वर्जन में हमने एक न्यू फीचर ऐड किया है इन्वेंट्री समरी में। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट ओपन करते हैं, यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन आया है, डिस्प्ले ओनली एक्टिव आइटम्स। अगर आप इस पर टिक करते हैं तो ये आपको सिर्फ डिस्प्ले करेगा वो आइटम्स की रिपोर्ट जो अभी एक्टिव हैं, और अगर आप इसको अनटिक करके डिस्प्ले करेंगे तो ये आपको ऑल आइटम्स की रिपोर्ट शो करेगा, जो एक्टिव हैं वो भी और जो इनएक्टिव हैं वो भी। तो अब इस तरह से आप पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। थैंक यू।